सपा का एक ही कार्यकर्ता अखिलेश यादव बनकर लड़ रहा निकाय चुनाव। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर रणभेरी बच चुकी है। सभी सियासी दल निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। वहीं सीएम योगी लगातार हर दिन कई रैलियों और जनसभाओं को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। सीएम योगी के तूफानी दौरे को लेकर सपा के निवर्तमान प्रदेश सचिव नरेंद्र सिंह ने सियासी हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव में सीएम योगी का दौरा घबराहट का दौरा है, क्योंकि बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर बेहद डरी हुई है। प्रदेश की जनता का आक्रोश भाजपा सरकार को लेकर है, इसलिए सीएम योगी हर जिले में जाकर जनता की नाराजगी दूर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सपा के निवर्तमान प्रदेश सचिव नरेंद्र सिंह ने कहा कि सपा का एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव बनकर निकाय चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा जनता खुद समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रही है। सपा नेता नरेंद्र सिंह ने दावा किया कि पूरे प्रदेश में हर जगह सपा नजर आ रही है। सपा नेता ने कहा कि प्रयागराज महापौर की सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। सपा नेता ने कहा कि सपा सरकार में ही प्रयागराज में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, जबकि बीजेपी के 7 सालों के शासनकाल में विकास का पहिया थम गया है। राम मंदिर पर पंडागिरी ना करे बीजेपी। वहीं अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण पर सपा नेता नरेंद्र सिंह ने कहा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरे देश के लिए गर्व और गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पंडागिरी ना करे। सपा नेता नरेंद्र सिंह ने कहा कि भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर का निर्माण किसी पार्टी और किसी नेता के कहने से नहीं हो रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सपा नेता ने कहा कि अगर सूबे में उनकी सरकार होती तो वह भी मंदिर का निर्माण कराती। वहीं 2017 से लगातार चुनाव दर चुनाव सपा की हार पर सपा नेता नरेंद्र सिंह ने दावा किया कि निकाय चुनाव में सपा नंबर 1 की पार्टी पर रहेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी सपा नंबर 1 पर रहेगी। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी यूपी में नंबर 1 पर ही रहेगा।